सो फाइनली दोस्तों, ऋतिक रोशन की आने वाली सुपर डुपर मच वेटेड फिल्म वॉर 2 को लेकर बड़ी अपडेट बाहर आ चुकी है, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी खुशी से एक्साइटेड हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वॉर 2 मूवी जो कि काफ़ी बड़ी एक्शन फिल्म रहने वाली है, और ये मूवी वायर अप की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2019 में आई फिल्म वॉर जो कि काफ़ी बड़ी ब्लॉकबास्टर रही थी, और दोस्त अब उसका सीक्वल वॉर 2 उससे भी बड़ी ब्लॉकबास्टर होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मूवी अगले साल 2025 में इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज़ कर दी जाएगी। फिल्म को रिलीज़ होने में ठीक एक साल का समय रह गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, वहीं आपको बता दें कि वॉर 2 मूवी में ऋतिक रोशन की एंट्री सीन को लेकर बड़ा अपडेट बाहर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि वॉर 2 मूवी में ऋतिक रोशन तलवार के साथ एंट्री करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे धमाकेदार न्यूज़ बाहर आई है कि ऋतिक रोशन वॉर 2 मूवी में तलवार के साथ धमाकेदार एंट्री करते हुए नजर आएगी, जो कि दोस्तों तहलका मचने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एंट्री सीक्वेंस काफ़ी बाप लेवल का रहने वाला, जो कि बॉक्स ऑफिस को हिला के रख देगा। आपको बता दें कि वॉर फिल्म में ऋतिक रोशन का एंट्री सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया गया था और ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। वहीं आपको बता दें कि इस बार भी वॉर 2 का धमाकेदार एंट्री सीक्वेंस ऋतिक रोशन का रहने वाला, जो कि तलवार के साथ होगा। और दोस्तों, इस बार ऋतिक रोशन वर्सेज हमें जूनियर NTR देखने के लिए मिलने वाला है। वैसे आप लोग वॉर 2 मूवी में ऋतिक रोशन की एंट्री को देखने के लिए कितने